मौत को देखा है कहीं से? हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल क्लिफ पे है, यहाँ पे है, इट्स अबाउट टू स्लाइड। Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज हम वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद. So मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम नथिया गली के पास एक जगह है, यहाँ पे हम यहाँ पे रुकने आए थे फॉर एनिवर्सरी गेट अवे. रात को क्योंकि हम ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सके क्योंकि सर्दी बहुत थी, तो सुबह हुई और धूप थोड़ी ज्यादा हुई, तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना बाहर निकला जाए. और जैसे ही ये मैंने दरवाजे से क्रॉस किया ना, ऐसे बड़ी रिग्रेट हुई कि यार यहाँ पे मैं जरा से ग्लव्स ही ले आता यार. ये कराची के लोगों ने अभी जिंदगी में बर्फ नहीं देखी होती, तो बर्फ देख के ना उतावले हो जाते हैं. यहाँ से निकलते साथ ही ये बर्फ नजर आती है. इस तरह की जब आपके सामने पड़ी हो ना, आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि यार मैं ग्लव्स ले आता. ये तो चले टोपी भी साथ ले, तो ग्लव्स भी नहीं लेके आया यार. टोपी से क्या होता है, टोपी तो फैशन के लिए होती है बस. अब हम सीढ़ियों से नीचे तो आए, लेकिन यहाँ से नीचे ना स्लोप है पूरी, और मुझे वैसे थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार यहाँ से हम स्लिप तो नहीं हो जाएंगे. और अब ये अच्छा, ये वाली जो बर्फ होती है ना, इससे कोई मसला नहीं है. इस तरह की जो बर्फ होती है ना, ये होती है स्लिपरी. ओ हो, मुझे अभी धूप ऐसे मुझे लगी है ना, मेरे हस्बैंड ने सिखाया था कि जब हाइक करते हुए नीचे उतर रहे होते ना, तो ऐसे उतर ऐसे ऐसे. I don't think if that applies to barf though. barf ka na zyada experience nahi hai. Gire to dono saath mein gire. Haan, taaki slide ki tarah jayenge. Jab main gaadi se nahi nikal rahi thi na, ki barenge to dono saath mein barenge. Aniya literally, acha main na mere, I'm really sorry yaar, mera na bada ek aadat hai meri. Dark humor. Meri badi buri aadat hai chore mazak karne ki, ki jaise aap kabhi kisi tense situation mein hote na, to meri hansi nikalna shuru ho jati hai. Ye dekho yaar, abhi hum bilkul cliff pe hain. Hansi tumhari tab ruki nikli thi jab gaadi ruk gayi thi, usse pehle tumne hi daraya tha sabse zyada mujhe. लेकिन जब मैंने फिर गिव अप कर दिया ना, फिर मैं यार तो मजाक करते हैं इस बारे में. अनिया लिटरली रोना शुरू हो गई थी, आंसू बह रहे हैं. He is like, तो बाहर निकलो गाड़ी से और मुझे गाइड करो. I was like, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगी. मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, गाड़ी नीचे जाएगी, सब दोनों साथ जाएंगे. Oh my God, लोग हमें वैसे कितना जज करेंगे. और वैसे आज के दिन तो बर्फ नहीं पड़ी, तो आज ये है कि जरा मौसम थोड़ा बेहतर है. मतलब बर्फ वर्फ जो पहले की पड़ी हुई है वही है, बट हमने फिर भी जीप वाला बुला लिया कि जस्ट इनकेस हम फंस गए तो हमारी बेगम रोना ना शुरू कर दें, तो तो ये है कि हम जीप का सहारा लेके चले जाएं. वैसे मैं जो हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं रोती. लाइक आई नेवर एवर क्राई. माई फ्रेंड्स नो मी फॉर द पर्सन हु येल्स एट अदर पीपल फॉर क्राइंग, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट अली हमजा. एनी थिंग रिलेटेड टू हिम, आई क्राई लाइक अ बेबी. लाइक हमारी कोई लड़ाई हो जाए, मुझे रोना आ जाता है. हम कोई खुशी हो जाए तो मुझे रोना आ जाता है. कोई सैड हो जाए, स्केयर्ड हो जाए तो रोना आ जाता है. चलो बैठो 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 बैठो. नहीं 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 करो नहीं करो नहीं करो. मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ. ये पागल हो गई है, ये मेरे ऊपर बर्फ फेंक रही है शदीद सर्दी में. नहीं लेके मत आना साथ, गाड़ी में मारूंगी तुम्हें. साथ बर्फ पड़ी हुई है. वो हमारी जीप जा रही है जस्ट इन केस हमें रेस्क्यू करना पड़े. अगर हम कहीं फंस जाएं बर्फ में, तो वो टोचें लगा के हमें आगे ले जाए. बिकॉज ये बर्फ की सिचुएशन है यहाँ पे, ये इतनी ज्यादा. हम जरा बाहर निकले ताकि हम अनिया की इंस्टाग्राम के लिए रील बना सकें. एंड इतनी बर्फ में तो इस तरह से है. You need what? You need to put your tripod on the ground so I can rest my phone against it. Okay. तो हमारे जो जीप वाले भाई हैं वो हमें लेके जा रहे हैं. और अभी वैसे उनसे बात हुई तो he was like कि ये तो बर्फ कुछ नहीं है. ये तो अभी बर्फ कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है. ज्यादा कहाँ होती है अभी? बस अभी तो सीजन नहीं, इसका भी निकलने वाला है तकरीबन. अच्छा, इस मतलब इस साल नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, इतनी टाइम से आउट होके ये पड़ी है. और ये वैसे कितनी होती है? वैसे तकरीबन 4-5 फुट तक जाती है. अगर इतनी सी बर्फ में हमारा ये हाल है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी बेगम का क्या हाल होता अगर इतनी बर्फ. जी बेगम, मेरा हाल है. क्या हाल है? टूरिस्ट नहीं तो जिन्होंने पहली पहली दफा बर्फ देखी होती है, तो हम उन नहीं 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 जोर क्या लगी है मुझे गाड़ी को लगेगी यार. तो हम उस तरह कर रहे हैं. एंड ये अनिया, ये बहुत जोर की लगेगी. प्लीज अनिया, प्लीज 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 जोर से लग रही है यार. ये देखिए, मैं मारूं? Do you wanna build snowman? अच्छा अच्छा, वाओ, इतना बुरा निशान है तुम्हारा. डॉज द बॉल में एक्सपर्ट. आप पता लगा कितनी जोर से लगती है? अच्छा सॉरी सॉरी अली, वीडियो लगी. दिस पर्सन हो रही यार, ये कितने जोर से लगती है यार. ये जो شدید बर्फ में स्नो फाइट करते हैं ना, मैं उनको बड़ा जज कर रहा हूं क्योंकि बड़ी जोर की लगती है यार. ऊपर से बर्फ में निकलते हैं ना, तो ये जूतों का तो हाल हुआ ही हुआ है. अंदर से
जो मुझे ठंड लग रही है ना पैरों पे, ओए होए होए हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल क्लिफ पे है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई थी, एंड वी आर सेफ। दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप आए यहाँ पे तो प्लीज, अभी भी टो चेन लगी हुई है जीप पे, तो हम निकल रहे हैं, बट दिस वॉज वेरी 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 स्केरी। इतने से मार्जिन से लाइक अबाउट लेस देन अ फीट द कार कुड हैव लाइक स्लिप्ड। सो व्हेनेवर यू प्लान समथिंग, प्लीज प्लीज डू द पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स और जस्ट डोंट गो, दिस वॉज वेरी स्केरी। अनिया, या हाउ डू यू फील? Fine. She's traumatized. मौत को देखा है करीब से? हाँ, कुछ ज़्यादा ही करीब से देख लिए। बिस्मिल्लाह, तो खत्म हुआ और यहाँ से अब गाड़ी हम चलाएंगे, फिर हम घर जाएंगे और हम शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। तो हमने मौत को बिल्कुल इतने सामने से देखा, जाते हुए भी और आते हुए भी, आते हुए वापसी पे आते हुए तो खैर कुछ ज्यादा ही मजे लगा, गाड़ी बस गई नीचे, हम बस कुल पढ़ लेते हैं। तो जी हम आपको मिलवाना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पे आतिफ साहब ये रिजॉर्ट को मैनेज भी करते हैं, शेफ भी हैं। मैं से पूछा, मैं कहा यार भाई क्या क्या करते हो तुम, खाना तुम बनाते हो, मैनेज तुम करते हो सारी चीजें, कैसे मंगवाया है? कल हम लोगों ने खाना मंगवाया, हम लोगों ने तीन बिल्कुल अलग अलग कुजीन मंगवाई, आलू के पराठे, बारबेक्यू, चाइनीज, देसी, और सब इतना अच्छा। मैंने बोला पता नहीं कितने शेफ हैं इनके पास, पता चला कि सारा हर कुजीन यही बना रहे हैं खुद ही। तो आप यहाँ पे आए तो इनसे जब आपका सामना हो तो प्लीज इनको थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सो मच आदिफ, थैंक यू सो मच। पहले इतना कुछ नहीं चाहिए, चिकन नहीं खा रहा। तो अनिया मेरे से हर जगह पे गाड़ी रुकवा रही है कि मुझे बंदर देखने, बंदर देखने है, तो मैं रुक रहा हूँ। क्या वो तो बेबी बंदर है, ये देखें। हम एक वीडियो बना रहे थे कोई टिकटॉक टाइप की थी, तो उसके बारे में ना अनिया बड़ी सैड थी कि ओ नहीं बन सकी, यदि बंदर में सो जाए ना तो उससे ज्यादा सैड चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। वो देखो नहीं खाएंगे, ये देखे नीचे रख दो, नीचे वो देखो एक और आया, नीचे रखो। अब हमें पता नहीं कि बंदर खाते हैं नहीं, लेकिन हम चिकन ही है हमारे पास, तो हम चिकन दे रहे हैं। ये यार पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, फ्रूट लेना चाहिए, वो आ रहा है एक मोटा सा, नहीं पीछे ही हो जाओ। नहीं नहीं खाते चिकन, ये तो पूरा टोला है यार बंदरों का। वाह, दिस इज सो फनी, ये वाला फ्रेंडली लग रहा है, इसमें हाथ मिलाऊं? नहीं भाई मुझे नहीं लग रहा, नहीं और आ गया वहां, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। बंदरों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने लिटरली लोगों के पास, मतलब लोग तंग करते हैं ना जाके, तो उनके भी रिफ्लेक्स में होता है कि यार तंग करते हैं, तो बाइट करना है, ये काटना क्या खुजा रहा है बहुत। वो वहाँ पे टार्जन बना हुआ है। फिर हैंस प्रूवन भाई के जो बंदर हैं वो चिकन नहीं खाते, वो वेजिटेरियन होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? तो शाम को हम घर पहुंच गए थे, और पहुंचते साथ ही हमने डिसाइड किया था कि चलो ठीक है थोड़ा सा इधर उधर से खा लेते हैं, थोड़ा सा दिन एंजॉय करते हैं, क्योंकि जाहिर है एनिवर्सरी एंड हो गई है, थोड़ा सा हैव अ बॉल होना चाहिए। तो हमने पिज्जा मंगा लिया यहाँ पे। मीनवाइल ब्रूनो की तबीयत खराब थी, तो हमने वेट को बुलाया, तो ये इतना मम्मी रेडी है, ये जो बैठे हैं ये साल इतने मम्मी रेडी हैं कि डॉक्टर ने बोला इसको ठंड लग गई। मैंने कहा जिंदगी में कभी सुना है रॉट वाले को ठंड लगी हो, वो इतने रफ एंड टफ कुत्ते होते हैं। हमारा मम्मी रेडी, और हमने सोचा था कि अच्छा ठीक है अभी मूवी देखते हैं। टीवी माशाल्लाह से ऑन नहीं हो रहा, काफ़ी देर से कोशिश की है देखा है, तो स्विच भी ऑन है, रिमोट पर भी लाइट आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं। तो खैर आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।